रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने शनिवार की शाम तक महाकुंभ के तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रयागराज जंक्शन, फाफामऊ जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, झूसी, रामबाग, नैनी, छिवकी एवं सूबेदारगंज स्टेशनों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं का इंतजाम, वैकल्पिक योजनाओं एवं निर्माणाधीन कार्यों का जायजा भी लिया और आवश्यक निर्देश भी दिए। अध्यक्ष ने आगामी कुंभ मेला के तहत कराए जाने वाले सभी कार्यों की प्रगति का गहनता से अवलोकन किया। उन्होंने कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय में उच्च गुणवत्ता के साथ संपन्न करने हेतु अपने सुझाव एवं आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद अध्यक्ष ने झूसी एवं रामबाग स्टेशनों का निरीक्षण किया तथा कुंभ मेले की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में स्टेशनों पर चल रहे यात्री सुविधा विस्तार कार्यों की समीक्षा की और संतोष व्यक्त किया। चेयरमैन ने झूसी रामबाग के मध्य गंगा नदी पर दोहरीकरण के अंतर्गत बन रहे महत्वपूर्ण रेल ब्रिज सन 111 पर मोटर ट्राली से निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों एवं रेल विकास निगम लिमिटेड के इंजीनियरों के साथ प्रगति की समीक्षा की। इस महत्वपूर्ण पुल में 76.2 मीटर स्पान के 24 गार्डर हैं, कार्य अंतिम चरण में है। झूसी प्रयागराज रेल खंड में 96% फॉर्मेशन वर्क पूरा हो गया है। उन्होंने झूसी स्टेशन पर निर्माणाधीन सेकंड एंट्री के सर्कुलेटिंग एरिया में बन रहे यात्री प्रतीक्षालय, बाउंड्री वाल, हाई मास्ट लाइट, अस्थाई शौचालय आदि का निरीक्षण किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रयागराज परिक्षेत्र के सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज, लेवल क्रॉसिंग गेट, स्टेशन आदि को देखा और सभी जगह कार्य बड़ी गति से चल रहे हैं। कई कार्य पूरा कर लिया है और अन्य विभिन्न कार्य भी कुंभ मेला से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। कुंभ मेला के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को पिछले कुंभ की बजाय इस बार नई स्टेशन बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाएं, रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज आदि बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कानपुर दिशा से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुबेदारगंज स्टेशन का विकास किया जा रहा है। अपने निरीक्षण के अंत में उन्होंने इस स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और रेल ओवर रेल ब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके उपरांत उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में तीनों जोन के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए सतीश कुमार ने कहा कि सभी पक्षों के मध्य महाकुंभ के दौरान समुचित संवाद और समन्वय बनाए रखा जाए, सभी कार्य निर्धारित तिथि से पहले पूरे कर लिए जाएं। मंडल रेल प्रबंधक मेला अवधि में प्रमुख स्नान पर्वों में अपने अधिकार क्षेत्र में D1 से D2 तक कैंप करेंगे। साथ ही मेला ड्यूटी पर अन्य स्थानों से आने वाले सभी कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखा जाए। सभी फुट ओवर ब्रिजों पर लाइटिंग और बैकअप की समुचित व्यवस्था रहे। FOB क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए के CCTV फुटेज की सघन निगरानी सुनिश्चित करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। तो देखिए, ये जो भी हम जो सेक्शनल कैपेसिटी है वो हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे सेक्शनल कैपेसिटी बढ़ती जाती है तो जितनी भी ये डिमांड आती है फिर हम लोग सब उसको उसका एग्जामिनेशन करते हैं और जहाँ जहाँ पे संभव होता है वहाँ वहाँ पर नई गाड़ियाँ, नई फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाती है। कुछ ट्रेनें प्लेटफॉर्म से हटा के सुविधाएं कर दी गई जो मुख्य ट्रेन लोगों को, उसमें कुछ भी असुविधा नहीं होगी। यदि आप इस मामले में दिल्ली में लें तो दिल्ली में पहले दिल्ली में जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन था, हजरत निजामुद्दीन है, आनंद विहार है, तो ये दिक्कत के लिए नहीं है। आजकल जो पूरा शहर जो है विभिन्न भागों में बटा है और हर जगह हमारे रहते हैं। और अभी जैसा कि सुबेदारगंज में तो नया कंप्लीट आपका ROB बिल्कुल नया बन रहा है। ये जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं ये आइसोलेटेड नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल नया जो स्टेट गवर्नमेंट सुबेदारगंज में ROB बना रही है तो वो यात्री जो है बहुत ही जल्दी से पहुंचेंगे और जब जल्दी पहुंचेंगे तो दूरी जो है वो डिपेंड करती है कि कैसा रोड डेवलप्ड है। यदि आपका रोड डेवलप बहुत अच्छा है तो कुछ भी टाइम नहीं लगता है। थैंक्स है, QR बेस है और सारी मोबाइल टिकटिंग है, लोगों को एपरेटस देंगे, हैंड हेल्ड दिया गया है। तो यात्रियों को टिकट के लिए बिल्कुल भी बाड़े में जिसमें जाएंगे वहीं पे टिकट व्यवस्था हो जाएगी, उनको जाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। सर, कुछ सुझाव गए हैं यहाँ से बोर्ड में जो भीड़ आती है? देखिए, जितना अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य क्राउड मैनेजमेंट के लिए ही हैं। जब हम प्रयाग में हम होल्डिंग एरिया नया बनाने के लिए करते हैं तो आई थिंक वो क्राउड मैनेजमेंट का ही पार्ट है। जब हम प्लेटफॉर्म 4 प्रयाग में बना रहे हैं तो वो क्राउड मैनेजमेंट का ही पार्ट है। नया FOB कर रहे हैं तो क्राउड मैनेजमेंट का पार्ट है। अभी जैसा मैंने
झूसी में हम देख के आए हैं, कम से कम वहाँ पर 6 एनक्लोजर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत एनक्लोजर्स हैं, शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो जिस तरह की व्यवस्था, और स्पेशली झूसी में, तो जब आदमी आएगा, जब हमारे पिलग्रिम्स आएंगे, तो सीधा ही एंड प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे FOB का यूज़ ही नहीं होना, या तो 1 नंबर से जाएगा या 4 नंबर से जाएगा। तो हम लोग यही व्यवस्था रख रहे हैं, और प्रयाग में भी हमारा जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 नया बनाने का जो उद्देश्य यही था कि यात्रियों को हमें जो स्टेयर केसेस यूज़ ना करना पड़े। आप इस बात से बिल्कुल ये होंगे कि यदि हम स्टेयर केसेस को अवॉइड कर सकें तो हम अपने भीड़ को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाल सकते हैं। रेलवे टिकटिंग हमने निर्देशित ये किया है कि इन कार्यों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने हैं, और अभी हमको 24/7 कार्य करना है, क्योंकि जिससे कि हम समय से पहले अपने काम को ख़त्म करके हो जाएं और हम पूर्ण तरह से हम तैयार रहें कुंभ के लिए। और सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी मुस्तैद हैं, और आज हमने रामबाग से झूसी डबलिंग का भी निरीक्षण किया, वो भी अच्छी प्रगति है उसमें, तो उसमें भी सभी लोग कार्य कर रहे हैं कि हम लोग उसको कम से कम 15 दिसंबर तक उसको हम लोग जो रामबाग से झूसी है वो हो जाए। जैसा आपको पता होगा कि प्रयागराज से रामबाग हम ऑलरेडी यार रिमॉडलिंग 20 तारीख को करके काफ़ी दिन से लंबित प्रोजेक्ट था, तो ये वाला कार्य भी अभी पूरा हो गया है। सर्वर रूम का निरीक्षण भी किया है, तो क्या AI बेस किस तरह से इस बार टेक्नोलॉजी काम आएगी? देखिए, AI बेस ऑलरेडी ये इस पर कार्य चल रहा है, और चीज़ें फाइनलाइज स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर ली गई हैं, और जो भी प्रोटोकॉल AI बेस का होगा, वो जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो AI यूज़ करेगी, वही हमको सुविधा मिलेगी, बिकॉज क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट AI यूज़ करने जा रही है। निरीक्षण में उत्तर मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक जोगिंदर सिंह लाकरा, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा, पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर, मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु बड़ोनी, मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ उत्तर रेलवे SM शर्मा एवं मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे विनीत कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे।